हेलो गाइज, वेलकम टू द व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे चैनल पर पहला कोई रिव्यू है जो गाड़ी को लेके, कैंपर वैन को लेके, वो यही होने वाला है। कि उससे पहले हम लोगों ने एक रिव्यू किया है, वो किया है पास में खड़ी ये जो बाइक है, इसका हमने रिव्यू किया है। किसी भी कैंपर वैन का आज तक हमने रिव्यू नहीं किया। तो पहली बात तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सर, थैंक यू। पहला रिव्यू है हमारा चैनल पर किसी भी कैंपर वैन से रिलेटेड। तो यहाँ पर स्पेशल बात ये होने वाली है कि हमारे पास जो कैंपर वैन है वो अपने आप में एक मिसाल है, अपने आप में एक, इनको शाबाशी देते हैं हम, इनका हौसला भी बढ़ाते हैं हम कि इन्होंने इस कार को चूज़ किया है जिसकी अहमियत इंडिया वाले शायद कभी जान नहीं पाए। इसका नाम है टाटा नैनो, जिसको आप लोग पता नहीं क्या क्या नाम देते थे, बट आपको इम्पोर्टेंस बताऊंगा इसकी आज क्या है। और ये हमारे सर हैं जिनका चैनल का नाम है एक्सप्लोरिंग एट 40। तो बेसिकली ये एक्सप्लोर करते हैं टाटा नैनो के साथ, कैंपर वैन बना रखी इन्होंने पूरी, और ये सोलो ट्रैवल करते हैं। आई थिंक फिलहाल आप सोलो ट्रैवल करते हो। यस सर। तो इन्होंने क्या क्या अपनी गाड़ी के अंदर मैनेजमेंट कर रखा है उसके बारे में हम आज इनसे वार्तालाप करेंगे। और थोड़ा सा इंट्रो दूंगा, हिंट दूंगा कि ये लद्दाख, स्पीति सब कुछ इस गाड़ी पे कर चुके हैं। तो इनका कहना है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो। सर, मेरा नाम अंशुल सेठी है एंड मैं दिल्ली से हूँ, रोहिणी से। okay. और आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। एक शौक चढ़ा था ओवरलैंडिंग का, और कैंपिंग सूत्रा चैनल को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली फॉलो करती है। थैंक्स अ लॉट। और भी ओवरलैंडर से हम देखते थे, तो एक ड्रीम था कि यार हम भी ना कुछ बनाएंगे, बट कुछ यूनिक बनाएंगे। और माइंड में ये था कि जैसे आई एम बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो मेरी तरह ऐसे और भी फैमिलीज हैं और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं, तो ये ड्रीम अचीव करना इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग फॉर मोस्ट ऑफ द फैमिलीज राइट नाउ इन इंडिया, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन बजट। तो फिर ये था, एक माइंड में कंसेप्ट था कि इंडिया की सबसे अफोर्डेबल कार जो है वो टाटा नैनो ही है। तो मैंने काफ़ी सारी गाड़ियों को कंपेयर किया, आई डोंट वॉन्ट टू टेक नेम्स, बट इसके सेगमेंट में आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनकी लेंथ, विड्थ, उनका ग्राउंड क्लियरेंस, उनका रूफ हाइट, ये सब क्लियर करने के बाद, मेजर करने के बाद मुझे टाटा नैनो को मैंने ऑप्ट किया, क्योंकि एक आम आदमी की गाड़ी है और मैंने इसको आम आदमी की तरह ही बनाया। बिल्कुल बिल्कुल। शायद, सॉरी टू इंटरप्ट, शायद मैं भी ये कहूँगा कि मेरे चैनल की थीम है बजट, कैंपिंग करते हैं बजट में। तो इत्तेफाक की बात देखिए, कोइंसिडेंस कि बजट ही आया आपके सामने, पहला रिव्यू ही जो आया है वो बजट को लेकर ही आया, बजट कैंपिंग को लेकर ही आया है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा जी, कि आपने क्या सोच के टाटा नैनो चूज़ करी? कोई एक आपके दिमाग में होगा कि मुझे ये चूज़ करना है? सर, एक आपके पास आई थिंक ऑलरेडी होंडा अमेज है जी, इनके बिल्कुल पास, बिल्कुल ऑटोमेटिक गियर सब कुछ है इनके पास, बट इन्होंने ये चूज़ की, उसकी वजह क्या है? सर, उसके पीछे दो थॉट्स थे। पहला तो ये था कि जैसे मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द क्लास, मिडिल क्लास फैमिली अभी झिझकती है इस चीज़ में आने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके दिल से जो फोबिया था ना, वो निकालना था कि देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल। ओके ओके। गाड़ी छोटी हो बड़ी हो, एंड आई डिड स्पीति, आई डिड लद्दाख ऑन दिस व्हीकल। ओके। मैंने वहाँ पे लोगों को चेतक पे करते हुए देखा है। मतलब आपको ग्राउंड क्लीयरेंस को लेकर लोगों को डाउट होता है? सर, ग्राउंड क्लीयरेंस 180 mm है सर, अच्छी अच्छी SUVs का नहीं है। okay, इसकी okay, सेगमेंट okay. में तो किसी गाड़ी का नहीं है, इसका 180 mm है, कहीं नहीं रुकती, रेयर व्हील ड्राइव है। ओके okay, क्या बात, रेयर व्हील ड्राइव है। यस सर, इंजन को जो पुश मिलता है, इंजन से जो पुश मिलता है ना रेयर व्हील ड्राइव होने से, पहाड़ों पे इजीली ट्रैक कर जाती है। मेरे लिए भी सरप्राइज है कि टाटा नैनो रेयर व्हील ड्राइव है, मुझे आज पता लगा। सर, इस गाड़ी को लोगों ने ना समझा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और जिसने समझा उसने छोड़ा नहीं। ओके ओके ओके। तो मेरा जो कंसेप्ट था कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ ऐसा लाऊं कि मैं एक इंस्पिरेशन के तौर पे उनके दिल से फोबिया निकालूं, वो मिथ को ब्रेक करूं कि आपको 10-15 लाख की गाड़ी नहीं चाहिए। सही है, सही है। महंगा सेटअप नहीं चाहिए, आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हो। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैंने करना है तो कहीं भी किसी भी स्थिति में मैं कर सकता हूं। और सर, व्हाई आई चूज टाटा नैनो, टाटा का लोहा सर दुनिया मानती है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई एम बिग फैन ऑफ रतन टाटा सर, दिल से उनके लिए रिस्पेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एक आम आदमी के लिए गाड़ी बनाई थी, उस आम आदमी ने इसको डिक्लाइन कर दिया। सही। तो ये रिग्रेट हमेशा रहा, उस टाइम पे भी रहा। तो फिर मैंने ये सेकंड हैंड परचेज किया, अभी एक महीना पहले मैंने इसको परचेज किया, और फिर मैंने इसके जब मेजरमेंट्स लिए सारे, और ये DIY प्रोजेक्ट है सर, डू इट योरसेल्फ, मैंने अलोन इसमें किया, सिर्फ एक कारपेंटर ने मेरा बेड बनाने में, सेटअप में हेल्प किया, बिल्कुल, वो भी प्लाईवुड को काटने में। हाँ जी, अदरवाइज इसमें इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, 12 से 220 वॉट DC to AC पावर मैनेजमेंट, वो खुद मैंने अपने हाथ से किया। वाटर मैनेजमेंट का जुगाड़ मैंने ऐसा लगाया है कि आस पड़ोस वाले सब यूज कर रहे हैं, वो आप देख ही रहे हो सर, तभी शायद आप मेरे चैनल पे हो। थैंक यू सर, थैंक यू। DIY मीट्स DIY। तो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, इसमें 6.5x4 का पूरा बेड है, फोल्डेबल। हाँ जी, हाँ जी। मेरी खुद की हाइट 6 फुट है, उसके बाद भी आधा फुट जगह बच जाती है पैरों में। ओके ओके ओके। और 220 12 से 220 वॉट मैंने आपको बता दिया पावर मैनेजमेंट। वो ऐसे नहीं करेंगे हम, अपने ऑडियंस को
डिटेल में। बिल्कुल सर, बिल्कुल एवरीथिंग। आपकी टाटा नैनो को पिटारा खोलते हैं और देखते हैं इनके पिटारे में क्या क्या इन्होंने छुपा के रखा है और किस तरीके से अरेंजमेंट किए हैं इन्होंने। तो अभी सर हमको अपना सबसे पहले आई थिंक स्लीपिंग अरेंजमेंट दिखाने जा रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर। यस सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो अभी हम चलते हैं, सर से कहते हैं कि हमें दिखाएं अपनी गाड़ी के अंदर क्या स्लीपिंग अरेंजमेंट और किस तरीके से किया है आपने। मैं सर आपको इसमें पूरा स्लीपिंग अरेंजमेंट, पावर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट सब दिखाऊंगा विद इन द कार इटसेल्फ, और आपको बजट भी बताऊंगा कि मैंने कितने बजट में इसको अचीव किया। ओके ओके, तो आप प्लीज आइए, आप देखिए। बिल्कुल जी, थैंक यू जी। तो भाई ये टाटा नैनो का हमने दरवाजा खोल दिया और दरवाजा खोलते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर सर ने अपना एक स्लीपिंग अरेंजमेंट कर रखा है। और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि सर की हाइट है 6 फीट। तो आज बहुत से वहम लोगों के दूर होंगे कि टाटा नैनो में 6 फीट का बंदा सो रहा है। तो हाँ जी सर, आप बताइए आप कैसे आपने अरेंजमेंट किया है बेसिकली। सर वहम भी दूर होंगे और कईयों का ईगो भी हट होने वाला है। हाँ जी, ईगो हट होने तो ये मैं आपको पहले दे दूँ। हाँ जी बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि हम लोग बजट को लेकर चल रहे हैं, तो बजट में हमने ऑप्शन देना है पब्लिक को, जिससे ज्यादा पब्लिक बाहर निकले। बाहर निकले सर, बिल्कुल। अब सर इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जो टाटा नैनो की ओरिजिनल सीट्स है, हाँ जी, वो नीचे ही है, कुछ भी घर पे कुछ नहीं छोड़ा। दिखाता हूँ, ये नीचे आप देख सकते हो सीट्स रिमूव नहीं हुई है, सीट्स वहीं की वहीं है। हाँ जी सर, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड, रियर सीट्स सब गाड़ी के अंदर ही है। ओके 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 ओके। और ये 6.5x4 का बेड है सर। ओके, 6.5x4 यहाँ से शुरू होता है। ओके, यहाँ से शुरू है सर। ओके, ये आप देख सकते हैं। ठीक है ठीक है। और ये पीछे दिखाइए सर, आप ये कंबल आप देखेंगे ना, ये ब्लैंकेट हटाएंगे तो पीछे पूरा बूट तक का है, तक आपके मतलब लेग स्पेस है ये पूरा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं आपको अभी लेट के भी दिखाऊंगा और आप जज कर लेंगे कि आपकी ऑडियंस भी देख लेगी कितनी जगह मेरे पैरों के बाद भी आधा फुट की बचती है। ओके ओके ओके। तो सर ये मैंने कुशंस लिए थे। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि जो आपकी जो चेयर्स हैं उसका बैक रिमूव करते हो और वो बीच में जहाँ पे लेग स्पेस होता है वो बीच में इसको सपोर्ट का काम कर देती है। हाँ जी, जो पैसेंजर का लेग स्पेस है वहाँ पे आप उसको लगा देते हो। अभी जैसे सर मैंने सोलो ट्रैवल किया है, हाँ जी, तो ये मेरा लैपटॉप बैग, मेरा ड्रोन कैमरा बैग, ओके ओके ओके, ये मेरे टॉयलेटरीज का बैग, हाँ जी हाँ, ये मेरे क्लोथिंग का बैग, ठीक है जी, तो ये सब मैंने ऊपर ही रखा हुआ है। ओके ओके। अगर मेरे साथ कोई को ट्रैवलर जैसे ट्रैवल करता है, मेरी वाइफ करती है, हाँ जी, तो ये सारा का सारा जो है ना सर ये नीचे ही अकोमोडेट हो जाता है। बहुत जगह नीचे जो आपके पास लेग स्पेस होता है पैसेंजर का वहाँ पे आप लगा देते हो। जी, ये बहुत स्पेस है, ये पूरा अकोमोडेट हो जाता है। तो टू पीपल कैन इजीली स्लीप इन द कार, टू एडल्ट्स। यानी कि आप 6 फीट के हो तो आप यहाँ पे सो सकते हो, हस्बैंड, yes, वाइफ, वाइफ अगर जैसे कोई छोटी हाइट में 5.5-8 का है तो वो यहाँ सो सकता है, वहाँ पे आराम से सो सकते हैं। अब इसमें सर मैं बताता हूँ आपको, ये जो बोर्ड है ना, हाँ जी, ये मेरा बेड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, यानी 2 फोल्डिंग्स हैं। हाँ जी, 2 फोल्डिंग्स है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ओके, ये आप देखिए, एक फोल्डिंग ये रहा सर। ओके, एक फोल्डिंग ये रहा। ओके ओके। अब आप देख लो सपोर्ट कितना प्यारा है सर इसमें। यानी फ्रंट सीट्स हैं उसका फोल्डिंग अलग है, जो पैसेंजर सीट्स है उसका फोल्डिंग अलग है, जो फ्रंट सीट का बैक है ना सर उसका भी सपोर्ट इसके नीचे है। ओके ओके ओके, ठीक है, मतलब नीचे हॉलो नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल हॉलो नहीं है कि आप नीचे पुश नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये मेरा स्लीप वेल का मैट्रेस है। ओके, और ये भी फोल्डेबल है 3 लेयर्स में। सही है सही है सही है। और ये 32 गेज का है, बहुत कंफर्टेबल है सर, वेरी मतलब सॉफ्ट। अरे आप जो कर रहे हो वो वैसे ही सब कुछ दिख रहा है, इतना कुछ किया आपने इसके अंदर, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सर ये ब्लैंकेट है, इसको मैं एज एन बेडशीट यूज करता हूँ क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं। बिल्कुल, ये तो सर ने शायद आप बता रहे थे स्पीति से लिया है। ये सर स्पीति से इमरजेंसी ट्रैवल में लेना पड़ा। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि -6 चला गया था टेम्परेचर और मेरे पास स्लीपिंग बैग था और एक ब्लैंकेट था, तो फिर मेरे को नीचे बचने के लिए गया, मतलब ठंड तो नहीं थी बट एज एन प्रिकॉशन मैंने इसको परचेज किया था। ठीक है ठीक है। और आपने ये एक लगा रखा है इधर पे, मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये ना एक्चुअली ये पीस बच गया था। Okay. यानी जब ये बेड तैयार हुआ था तो ये पीस बच गया था। हाँ जी, तो ये मैंने फेंका नहीं, ये मैंने रख लिया, इसका मल्टीपल यूज है, ये सर्विंग टेबल भी बन जाता है। ठीक है। और सर ये यहाँ पे देने के लिए ना सपोर्ट, अब जैसे बैग्स रखे हुए तो दरवाजा खुले मतलब तो गिरे ना, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ तो मेरा बैग नहीं जाता कहीं। ठीक है ठीक है। तो ये सब यहीं रहता है, यानी वो टेबल का भी काम करता है और उधर आपको सामान गिरे ना उसको भी होल्ड रखता है। जी, तो ये सर मेरा आपका बेड सेटअप हो गया। ओके, एक बार मैं आपको कहूँ तो मैं आपको लेट के दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। बिल्कुल, एक बार आप दिखा दें, डेमो दिखा दें हमें। जी बिल्कुल, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई सच है हम लोग। नहीं सर, हेडरूम बहुत अच्छा है और इन एंड आउट करना गाड़ी से बहुत इजीली एक्सेसिबल है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मैं सर यहाँ से अपना हमेशा लेता हूँ। अभी आप नीचे भी देखो आगे कितनी जगह है। हाँ, वो तो खाली पड़ा है आपका लगभग। बिल्कुल सर। तो मैं क्या करता हूँ सर, ये अपने मैंने अपने स्लीपर यहाँ पे रिमूव किए। ओके जी, आई एंटर फ्रॉम दिस साइड। अगर मुझे सोना है, हाँ जी, तो सर मैं इसी डायरेक्शन में सोता हूँ। ओके जी ओके। तो सर ये मेरे दोनों कुशंस लग गए इधर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो बीच का डैशबोर्ड का और सीट का गैप है वो फिल हो गया। ओके, इधर से दिखाता हूँ मैं। तो ये भैया अभी सर यहाँ पे सो गए हैं। सर ये मेरा स्लीपिंग पोस्चर है। ठीक है, और इधर जगह इनका स्पेस देखिए। अभी आई थिंक जो नैनो का बूट स्पेस है
वो पूरा खाली है, पूरा वैसे का वैसे इनकी मतलब पैर नहीं पहुंच रहे हैं। अगर मैं नीचे भी हो जाऊँ ना सर थोड़ा रात को सोते वक्त गहरी नींद में, तब भी आप देखिए मेरे पैर टच नहीं होते, मतलब फुल्ली स्ट्रेच भी हो जाते हो अगर तब भी आपके पैर स्ट्रेच नहीं हो रहे। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया जुगाड़ किया सर आपने, आपको दिखा भी दिया सबूत। और सर ऑफिस का काम करना होता है मुझे, हाँ जी, तो मुझे कुछ नहीं करना होता, मुझे ये दोनों कुशन्स यहाँ पे मेरा ट्रे लगा हुआ है स्पीकर ट्रे, हाँ जी, हाँ जी, तो इसका सपोर्ट मुझे ऐसे मिल जाता है। ओके, तो आई विल पुट इट एट लाइक दिस। ओके, और आप हेडरूम आप देखना सर कि आपको मेरे जैसे 6 फुट आदमी को भी ये हेडरूम कितना, यही मैं बोलने वाला था, ये देखिए सर कि हेडरूम भी है। तो ये मेरा लैपटॉप बैग है, मैं अपना लैपटॉप यहाँ पे अपने लैप पे रख लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ सर जैसे थक जाता हूँ तो ऐसे बैठ जाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक, और आराम से इसको गेट को खोलता हूँ ताकि वेंटिलेशन आता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और सर ये पावर मैनेजमेंट है मेरा 12 वोल्ट से 220 वोल्ट। ओके, ये एक्सटेंशन बोर्ड है, इसमें 220 का करंट आता है। ओके जी, ओके। तो लैपटॉप चार्जर, मोबाइल चार्जर, ड्रोन कैमरा चार्जर, DIY किया है, DIY सर ये खुद बनाया हुआ है। ओके ओके, 1.5 mm का इन्वर्टर लगाया आपने? बिल्कुल नहीं, सोलर इन्वर्टर नहीं है सर, ये 12 से 220 वोल्ट का कन्वर्टर आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर मैंने वो यूज किया। ठीक है, जैसे बेसिकली वो जो आपने क्या कहते हैं उसे कार इन्वर्टर कहते हैं, कार इन्वर्टर नहीं है सर, ये कन्वर्टर बैटरी को जो है 220 में कन्वर्ट कर देगा, उसका बैकअप अपना कुछ नहीं है। अच्छा, वो बैटरी अच्छा, के जूस से ही आपको 220 देगा। चलो ठीक है, तो ये तो आपका पावर मैनेजमेंट भी आपने बता दिया। जी वो मैं आपको दिखा, बिल्कुल है, बिल्कुल सिंपल है सर। ठीक है, मैं ज्यादा उत्सुक इस चीज के लिए हूँ कि आपने जो वाटर मैनेजमेंट किया ना वो थोड़ा मेरे को यूनिक लगा, उसके बारे में बात करते हैं। जी बिल्कुल सर, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सर मेरे को कुछ अजीब सा दिख रहा है आपकी टाटा नैनो पे। जी, ये वाइपर के ऊपर एक तार जा रही है इधर। जी, ये कुछ अजीब सा यंत्र भी लगा रखा है आपने, और ये सीधा बोनट के अंदर चला गया। ये मैंने मैनेजमेंट समझ में नहीं आया, ये विचित्र सा लगा मुझे, इसके बारे में कुछ एक्सप्लेन किया जाए, ये कौन सा मैनेजमेंट है? सर ये वाटर मैनेजमेंट है जो मैंने अपनी टाटा नैनो में किया है, जो अच्छा। आपको विचित्र सी ये तारे नजर आ रही है ना सर, हाँ जी, इसको सिंपल कनेक्शन किया है पॉजिटिव और नेगेटिव। क्यों किया है? सर वाटर मैनेजमेंट को पंप करने के लिए। अच्छा, वाटर मैनेजमेंट को पंप लगा हुआ है ना, उसको पंप करने के लिए ये 12 वोल्ट का करंट चाहिए मुझे। ओके ओके ओके, तो वो मैंने अपना यहाँ से ले लिया हॉर्न्स के यहाँ से। ठीक है ठीक है, क्योंकि हॉर्न्स में भी बैटरी का करंट आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने यहाँ से लिया। ये DIY है? यस सर, ये पूरा खुद का बनाया हुआ हाथ से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अब ये वर्क कैसे करता है डेमो भी चाहिए हमको। बिल्कुल सर, और इसके आगे मैंने सर ये फीमेल इनपुट लगा दिया। ये फीमेल पोर्ट कौन सा है सर? ये तो आपका नॉर्मल वो है डीसी, अपना जो पावर सप्लाई होती है ना। अच्छा अच्छा, वो है उसका मेल फीमेल सॉकेट। अच्छा सही है, सॉकेट है ये। तो ये सॉकेट को मैंने इस वायर से अटैच कर दिया। ओके ओके ओके, और ये सर इतनी बड़ी है कि आप 360 गाड़ी को घूम के कवर कर सकते हो इससे। हाँ, गाड़ी धो, गाड़ी वॉश कर सकते हो कैंपिंग के थ्रू। ओके ओके ओके, तो सर ये मैंने क्या किया, ये 10 लीटर का वाटर गैलन है मेरे पास। ओके, इसमें मैंने फ्रेश वाटर डालता हूँ हमेशा। ठीक है जी, और इसके साथ में मैंने कार वाइपर का जो वो होता है पाइप, हाँ जी, वो मैंने इसी के अंदर डिप कर दिया सर। ठीक है, और ये वायर है, एक अलग से लिया है। ओके, जैसे वो पावर सॉकेट आपने फीमेल देखा था, ये मेल, हाँ जी, ठीक है, तो इन दोनों को कर दूंगा कनेक्ट तो करंट आ जाएगा। ओके जी ओके, समझ गया। अब इसमें जादू सर ये है कि इसके ऊपर मैंने ऐसे वेट रख दिया। हाँ, और इसके ऊपर भी वेट रख दिया। ठीक है ठीक है जी, अब मेरे को अपने कुकिंग यूटेंसिल्स को वॉश करना है। ठीक है, अपने आप को ड्राई क्लीन करना है, टूथब्रश करना है। ठीक है, तो पानी तो मुझे चाहिए। बिल्कुल, जैसे सर हमारे घर में हम क्या करते हैं, नॉर्मल वाटर टैप को ऑन करते हैं ना, हाँ तो वो हमें कंफर्ट आया क्योंकि बचपन से यूज कर रहे हैं। जी, हाँ जी, हाँ तो वही मैंने यहाँ कर दिया सर। कोई आपको बाल्टी नहीं चाहिए, कोई मग्गा नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक, हाथ से डालने वाला कोई सिस्टम नहीं है सर। ठीक है, आप इसको सिंपली यहाँ प्लग कीजिए। ओके, ये आप देख लीजिए, ये मैंने मेल फीमेल को प्लग किया ना सर। ओके जी, हियर इज द मैजिक। ठीक है, ये आप देख सकते हो जल धारा निकल रही है इनके जेरिकेन से। ये सर ये मैंने हाथ हैंड वॉश किए। ओके जी, अपने कुकिंग यूटेंसिल सर वॉश कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और सर टॉयलेट फ्रेश होना है, फ्रेश भी हो गया सर। सही है, और उसके बाद सिंपल इसको प्लग ऑफ कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है, और इसके अंदर जो आप वो बता रहे थे पंप है इसके अंदर जो, जी वो कौन सा है, कहाँ से मिलेगा और कितने का है? सर वो एक्चुअली मैंने पहले डायग्राफिक मोटर आती है एक, okay. जो आरओ में बेसिकली लगती है और बड़ी बड़ी कैंपर वैन्स में लगती है। ओके जी, तो वो मोटर का ही सोचा था, बट मैं जब इसकी सर्विस करवा रहा था, ओके ओके ओके, तो इसका कार का जो वाइपर वॉशर होता है ना सर, हाँ जी हाँ जी, जिसमें से पानी आता है, ठीक है, वो मोटर खराब थी। ठीक है, तो वो मोटर मैंने सर इसकी सर्विस के टाइम पे डलवाई। ठीक है, तो उसका जब प्रेशर चेक किया तो वहां से मैंने माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना इसी को अडॉप्ट कर लूं। ठीक है जी ठीक, तो मैंने एक स्पेयर मोटर ली सर, 120 रुपए की आई। ओके ओके ओके, वो मोटर को मैंने पॉजिटिव नेगेटिव का करंट दे दिया। ठीक है, 12 वोल्ट से चलती है सर वो। ठीक है जी, वो मैंने इसी के अंदर डिप कर दिया सर। ओके ओके, ये तार जो आप देख रहे हो ना ये उसी की है। ठीक है जी ठीक, और ये करंट जो आप देख रहे हो ये विचित्र सी तार लाल काली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये करंट की है। ठीक है, तो अब ये जो वाटर मैनेजमेंट आपका था जी, इसकी जो बेसिक जो हम इंडियन हमेशा जानना चाहते हैं स्पेशली मिडिल क्लास जी, कॉस्ट क्या है?
सर ये टोटल गैलन आया 10 लीटर का 150 रुपए का। ठीक है, इसको कोई अपनी हिसाब से अपडेट भी कर सकता है। आप 10, 15, 5, 20 अपनी गाड़ी के हिसाब से आप ले सकते हो। मेरी जितना स्पेस था मैंने उस हिसाब से लिया, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया। बिल्कुल जी। तो 10 लीटर का ये लिया है सर। ठीक है। 30 रुपीज की मेरे को ये 2 मीटर की पाइप पड़ी है। ओके जी। तार की कॉस्टिंग सर मेरे को आई है अराउंड अप्रोक्सीमेटली आपका 90 रुपीज। ठीक है जी। और 20 रुपीज मेल फीमेल में लग के टोटल 350 में मैंने इसका जुगाड़ कर दिया। आपका 350 to 400 फ्लक्चुएट। नहीं सर, 350 के अंदर अंदर ही, 400 भी नहीं, मोटर वोटर सब उसी में ही है। ओके जी, ओके। 120 रुपए की तो मोटर है सर बस, और खराब होती नहीं है वो कभी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा कि वाटर मैनेजमेंट इन्होंने कैसे किया और कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, और इन्होंने यूज किया है हार्श कंडीशन में, तो इनकी तरफ से बिल्कुल 5 स्टार है। आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी गाड़ियों में भी। तो सेठी जी अब हमें बताएंगे किचन सेटअप के बारे में, और शुरुआत हम वहीं से करेंगे जो इन्होंने बोर्ड लगाया था साइड पर सामान होल्ड करने के लिए। तो हमने बताया था कि एज अ टेबल ही वो यूज़ करते हैं, वो कैसे करते हैं वो आपको लाइव यहीं पर डेमो दिखाया जाएगा। सर प्लीज़ वो ले आओ, पहले तो हम टेबल बना के दिखा देते हैं। अब सर इसमें बूट तो खुलता नहीं है। ठीक है जी। तो बूट ना खुलने की वजह से मेरे पास किचन सेटअप विद इन द कार नहीं है, तो मैंने क्या किया सर, आउटसाइड कर दिया किचन को। ठीक है जी, ठीक है। अब जो बोर्ड मैंने आपको सर दिखाया था ना कि इसको हम एज एन अपना एक सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जब मुझे कुकिंग करनी होती है तो सर ये निकल जाता है। ठीक है जी, इजीली निकल जाता है सर। ओके। और सर ये दो मेरे पास कैंपिंग स्टूल्स हैं। ओके। तो सर इनको मैं ऐसे रख देता हूँ। ओके जी। और सर ये मेरा बन गया सर्विंग टेबल। लो जी, काफी अच्छे साइज का बन गया इनका सर्विंग टेबल। तो इसको इन्होंने दो जगह यूज किया है, और अभी ये ला रहे हैं, ये आपके सैडल बैग्स हैं सर। ये मेरे बाइक के सैडल बैग्स हैं, क्योंकि मैं बाइक राइड भी करता हूँ ओकेजनली। ओके, ओके। तो ये सेम वही चीज आप यहाँ पे यूज कर लेते हो, आपको बार बार मतलब चेंज नहीं करना पड़ता। हाँ जी। अब इसमें आप देखेंगे ना सर, एक साइड पे तो मेरा पूरा राशन है। ठीक है जी। ये देखिए सर, तो ये एक साइड पर इनका पूरा आप देख सकते हो, स्पाइस बॉक्स पूरा आ गया। ठीक है, ये अंदर है मैगी, ग्रोसरी, यानी सब कुछ, ग्रोसरी सारा राशन इधर है। निक नॉक्स आपने इधर साइड पे रख रखे हैं। राइट सर, ये हार्पिक वगैरह सब साइड पे है। ओके ओके। और ये आपका विम बार जो होता है लिक्विड, हाँ जी, हाँ वो हाँ सब इधर है। ओके जी, ओके ओके ओके। और सर इस साइड पे मेरा सारा कुकिंग यूटेंसिल आ जाता है। ठीक है, इधर हो गए अपने कुकिंग यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स हो गए। ठीक है जी, लो जी, सारी मतलब बेसिक नेसेसिटी जो होती है एक बंदे को, वो सारी इनके पास अरेंजमेंट। और सर ये ऑलवेज हैंडी है, आपको हंट नहीं करना, ढूंढना नहीं है कौन सा सामान कहाँ रखा है। हाँ, अब जैसे ये बैग डेडिकेटेड सैडल बैग मैंने कुकिंग के लिए दिया हुआ है। ओके। तो ये मेरा कुकिंग हो गया सर। एक मेरे पास सर ये पड़ा हुआ है स्टोव। ठीक है जी, ठीक है। और एक मेरे पास पोर्टेबल जो कैंपिंग स्टोव आता ही है, हाँ, वो जो मिनी गैस वाला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो मैंने स्पेयर बैकअप के लिए रखा हुआ है, या फिर जैसे साइमल्टेनियसली मुझे कुक करना है, आप ट्रैकिंग करने जाते हो तो उसको कैरी कर सकते हो। तो जैसे अगर मेरे को इसमें मैंने दाल बना ली तो उस पर फटाफट राइस बना दिए। ठीक है जी। तो सर मैं ताजा ताजा गर्म गर्म खाना खाता हूँ एकदम, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ बन रही है। सही है। तो गाइज आपने देख लिया इनका स्लीपिंग अरेंजमेंट और वाटर अरेंजमेंट जो इन्होंने किया है, और बाकी आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट बात की हमने नहीं। नहीं सर अभी नहीं, वो नहीं की, उसको कवर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट आप कैसे कर रहे हो, और वो आपकी जाहिर सी बात क्या आपके इस्तेमाल पे डिपेंड करता है, कितना इस्तेमाल कर रहे हो आप, तो उसके बारे में कुछ रोशनी डालेंगे आप। बिल्कुल सर, अब जैसे मैं, मेरे बाल भी लंबे ही हैं आप देख सकते हो। अच्छा। और ये हेयर ड्रायर वगैरह मुझे ऑफन यूज करना पड़ता है। ओके ओके। और ऑफिस भी मैं ऑन द गो करता ही हूँ सर। ठीक है जी। तो मुझे लैपटॉप भी चाहिए ही। बिल्कुल। और जैसे ड्रोन शॉट्स उड़ाता हूँ या फिर अपने कैमरा से शूट्स लेता हूँ, तो ओके, उसकी चार्जिंग के लिए चाहिए। तो वो सर कार की 12 वोल्ट की बैटरी से या 12 वोल्ट से या फिर किसी पावर बैंक से पॉसिबल नहीं है। ओके ओके। उसको इतना जल्दी फास्ट चार्ज करना। तो सर मैं इधर दिखाता हूँ आपको मैंने क्या किया। मैंने इसलिए दोबारा पूछा, पहले आपने थोड़ा डिटेल में नहीं बताया था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। तभी मैं दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे, वो ऑन द फ्लो में रह गया होगा सर मेरे से, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो सर ये है 12 वोल्ट टू 220 वोल्ट का कन्वर्टर। ओके। अब इसकी खासियत ये है सर, इसमें ना स्टेबलाइजर लगा हुआ है। ओके, ओके, काफी ओके, है। असली वेट तो उसी का ही है। ठीक है। ये तो सिर्फ खांचा खांचा है। ओके। अंदर उसके सर्किट है। ये लेना हो किसी शॉप से हम क्या कहेंगे, क्या चीज है ये? सर आप यहाँ से ऑनलाइन मत लीजिए, मैं तो ये बोलूंगा शॉप से भी लेना हो तो क्या कह के हम ले सकते हैं इसको। आप नाम क्या है इसका? भागीरथ पैलेस जाइए सर। हाँ जी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पूरी मार्केट है। हम भागीरथ पैलेस में अगर नहीं रहते तो सर आप वहाँ से किसी, हम दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते, मतलब एक नाम तो होगा, या सोलर कन्वर्टर है। हाँ। या डीसी एसी टू डीसी कन्वर्टर है। डीसी टू एसी कन्वर्टर 220 वॉट्स विद स्टेबलाइजर। ओके, तो ये इसकी पहचान है, डीसी टू एसी कन्वर्टर। कन्वर्टर और वोल्टेज आई थिंक वॉट्स वोल्टेज उसका क्या हिसाब है? अप टू 150 वॉट्स तक का आप इसमें पूरा का पूरा अपना जो एसी का वो है अप्लायंसेस वो आप चला सकते हो। मेरा हेयर ड्रायर मैंने इस पे यूज कर रखा। ओके ओके।
ओके हेयर ड्रायर आई थिंक 200 वाट से ऊपर एग्जैक्टली सर अबव होता है और मेरा प्रोफेशनल वाला है जो सलून्स में यूज होता है तो बहुत अच्छे से चला सर मैंने स्पीति में पूरा यूज किया है वो कोई प्रॉब्लम आया नहीं मुझे चलो ठीक है जी सो गाइज नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यानी आपने खा लिया पी लिया सो लिया जब सुबह उठते हो साहब आप जाते कहाँ हो सर लघु शंका के लिए तो आप देख लीजिए अच्छा टेंट है ही अच्छा जो नॉर्मल अपना टेंट होता है टॉयलेट टेंट बिल्कुल सर वो यूज़ कर रहे हो आप तो आप वो जो पॉटी सीट होती है जी वो यूज़ करते हो पॉटी सीट जो मेडिकल चेयर आती है ना सर अच्छा, उसके अच्छा, नीचे अच्छा। मैं गार्बेज डिस्पोजेबल बैग लगाता हूँ बायोडिग्रेडेबल ओके 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 और उसको यूज करके फिर उसे ट्रैश कर देता हूँ कोई अच्छा सा डंप एरिया देख के चलो ठीक है ठीक है और बात आती है सर वॉशिंग की हाँ वॉशिंग वो तो रह गया मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हाँ सर वो आपका मैं आपको दिखाता हूँ अभी हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल कैरावैन की ना सर नहीं एक्चुअली मैंने थैंक यू पता क्यों कहा जी क्योंकि ये टेंट मैंने देखा इसमें ऐसा सच कुछ नहीं है नहीं सबके पास होता है सबके तो मैंने कहा थैंक यू सर पर मेन चीज तो रहेगी कि वॉश कैसे करना है सर मैंने इसलिए आपको वो एकदम से याद दिलाया कि हम सबसे अफोर्डेबल कैरावैन की बात कर रहे हैं ना तो सारे इक्विपमेंट्स अफोर्डेबल ही होंगे और DIY होगा जाहिर सी बात बिल्कुल सर सर ये है क्या बात है इसमें सर आप पानी डालो और इसको पंप कर दो प्रेशर कम बनाया करो हर्ट कर सकता है ये नहीं सर बिल्कुल भी नहीं ये आपको सिर्फ गीला कर सकता है जैसे होली खेलते हैं तो मैं हैप्पी होली बोल दूंगा आपको अच्छा नाउ लुक एट द प्रेशर सर क्या बात है क्या बात है ये तो बहुत दूर जा रहा है सर आप आराम से अपना फ्रेश हो सकते यहाँ से अपना... सीन, जब ऐसे कर रहे हो ना यहाँ से ऐसे सीन आ रहा है जैसे वो पीक्स पे गिर रहा है सर अपना हाइजीन आप मेंटेन कर सकते हो आपको ड्राई वॉश की जरूरत नहीं है ओके स्पेशली लेडीज के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना सर उनके हाइजीन का आपको जरूर ध्यान रखना है ठीक है तो इसको लेना कैसे इसका नाम क्या है कॉस्ट क्या है सर ये आपको इजिली मिल जाएगा किसी भी गार्डनिंग रिलेटेड शॉप में मिल जाएगा इट कॉस्ट ओनली 100-120 रुपीज नॉट मोर देन दैट मैंने 100 रुपए में लिया बहुत सॉलिड लग रहा है देखने में मैंने 100 रुपए में लिया है सर ठीक अच्छा खासा काम चल रहा था पिछले 1.5 महीने से तो यूज कर ही रहा हूँ ठीक है ठीक है ठीक है और नाउ आई डोंट थिंक कोई चीज लेफ्ट रह गई है नथिंग हैज बीन लेफ्ट ओवर सर बस अब ये है कि ये मिथ ब्रेक करना था तो होप ये मैसेज सही जगह जाए ओके कि गाड़ी भी इम्पोर्टेंट है आपका जज्बा भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ओके एंड थैंक यू सो मच सर आपको कि आपने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इस सबसे छोटी अफोर्डेबल कैरावैन को अपने चैनल पे इंट्रोड्यूस किया बिल्कुल पहला है मेरा पहला रिव्यू थैंक यू सो मच सर मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा इसलिए आपने इसका रिव्यू लिया बिल्कुल तो सर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आपके ऑडियंस को भी यही बोलूंगा गाइस जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना उसका कारण है कि जिस मेंटालिटी के साथ सनी जी ने अपनी जर्नी शुरू करी है ना कि ओवरलैंडिंग का काला सच तो ये सही सच है सर असली सच यहाँ है बिल्कुल बिल्कुल वो कहते हैं ना कि हीरा कोयले की खान में ही मिलता है सही है शोरूम में तो जाके डायमंड आपने हमसे भी ज्यादा करके दिखा दिया हम तो फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं आपने तो बिल्कुल इंडिया की सबसे छोटी और इकोनॉमिकल गाड़ी में करके दिखाया है हैट्स ऑफ टू यू सर गाड़ी मैटर नहीं करती है आपका जोश आपका जज्बा आपकी जो गैदरिंग है ना जो पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए बिल्कुल जी बिल्कुल वो आनी चाहिए तो पर्पस सर यही है अब लास्ट पॉइंट जो मेरे माइंड में रह गया है जी एक बार आपके पास मोटा मोटा आइडिया तो होगा कि आपने जो कुछ बनाया है इसमें अपना टोटल कॉस्ट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की होगी लगभग सर मैंने ऑनलाइन तो कुछ परचेज किया नहीं ओके सारा का सारा मैंने खुद से जाके ढूंढ ढांड के जितना सस्ता मैं ला सकता था मैंने उतने सस्ते में लिया ओके और जो पैसे कंपैरेटिवली मुझे ऑनलाइन में आ रहे थे ना ओके वो सर मैंने इसके अंदर लगाए जैसे व्हील के अंदर व्हील्स नए डलवाए ओके तो वो पैसा मैंने वहां यूटिलाइज कर दिया कि गाड़ी के अंदर ही गाड़ी के लिए पैसा लगाया ठीक है ठीक है ठीक तो मोटा मोटा अगर मैं सर बोलूं ना तो मैंने गाड़ी खरीदने के बाद भी सेकेंड हैंड गाड़ी लेने के बाद इसको तैयार कराने के बाद विद इन 1.5 लाख के अंदर अंदर मैंने पूरा कैरावैन सेटअप कर दिया है सर विद गाड़ी क्या बात है विद न्यू टायर्स का तो लोग आई थिंक रूफटॉप टेंट लेते हैं सर विद गाड़ी विद टायर्स विद न्यू बैटरी ओके ओके विद एवरी इक्विपमेंट आई हैव एक्सेप्ट माय कैमरास माय ड्रोन्स एंड माय लैपटॉप वो मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही था ठीक है जी ठीक है थैंक्स अ लॉट कि आप यहां आए हमको ज्वाइन किया थैंक यू सो मच सर प्लेजर इज ऑल माइन सर कि जैसे हम इंस्पायर हुए आपसे जो आप DIY कर रहे हो इससे लोग कुछ सीखेंगे और लोगों को ये पता लगेगा कि कोई गाड़ी मैटर नहीं करती आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए करने का आप बाइक पे भी कर सकते हो बिल्कुल हमारे पास बाइक भी है जहाँ पे कैंपिंग की जाती है और यहाँ पे एक हमारे पास इंडिया की मोस्ट इकोनॉमिकल गाड़ी है जहाँ पर ये कैंपिंग करके दिखाई है इन्होंने और ऐसा नहीं है कि इनके पास और सुविधा नहीं है या इसको ये अपडेट नहीं कर सकते बड़ी गाड़ी नहीं ले सब कुछ कर सकते हैं बट इन्होंने ये करके दिखाना था तो इन्होंने जो किया बहुत अच्छा किया इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन थैंक यू सो मच सर थैंक यू और बधाइयां हो आपको इसी तरीके से आगे भी हमें ज्वाइन कीजिए बिल्कुल सर हर जगह मिलेंगे और नई नई शेयरिंग के साथ हमेशा आपके सामने हर बार नया कुछ यूनिक लेके आऊंगा ये मेरा प्रॉमिस है
बिल्कुल जी, चाहे बेसिक लाऊं लेकिन लाऊंगा जरूर सर। बिल्कुल जी। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इनका सेटअप अच्छा लगा हो तो इनके चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जो कि है एक्सप्लोरिंग एट द रेट 40। और ठीक है, और जिसने इसको दिखाया है शायद उस पर थोड़ी बहुत कृपा कर देना, कैंपिंग सूत्र को भी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।